सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार ब्लैकबेरी ने ना इंडिया में अपने दो नए फोन्स लॉन्च कर दिए हैं। नाम है यहाँ पे ब्लैकबेरी इवॉल्व और इवॉल्व एक्स। अभी इन फोन्स को देख के लगता है कि हालांकि अभी इनको इवॉल्व होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, जब इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन दोनों फोन्स के बारे में। लेकिन अगर मैं बताऊँ भैया एकदम शॉर्ट में, तो आप इन फोन्स को परचेज ना ही करें तो बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे ना पहले दोनों फोन्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दिखने में दोनों फोन्स काफी हद तक सेम ही हैं। यहां पे कुछ कुछ इंटरनल चेंजेस किए गए हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही फोन्स में है एक 5.99 इंचेस का फुल एचडी प्लस 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले। यहां पर दोस्तों जो बैटरी है दोनों ही फोन्स में वो है 4000 mAh की। जो दोस्तों प्रोसेसर है ब्लैकबेरी इवॉल्व में वो आता है स्नैपड्रैगन 450, 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, साथ में है मेमोरी कार्ड का स्लॉट। और यहां दोस्तों इवॉल्व एक्स है उसके अंदर मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 660, 6GB की रैम है, और यहां भी जो स्टोरेज है वो है 64GB की। अगेन आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है दोनों ही फोन्स का वो है 16 MP का F2 एपर्चर वाला। जो दोस्तों रियर फेसिंग कैमरा है वो आपको मिलता है यहां पे ड्यूअल कैमरा का सेटअप। यहां पर जो ब्लैकबेरी इवॉल्व है वो आता है एक 13+13 MP के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में। जहां पर दोस्तों प्राइमरी जो आपका कैमरा है वो है कलर सेंसर के साथ में, दूसरा है वो आता है मोनोक्रोम। यहां पर दोस्तों इवॉल्व एक्स का रियर कैमरा है वो आता है 12 MP का प्राइमरी कैमरा 1.4 micron के पिक्सल साइज के साथ में, f1.8 का एपर्चर है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 13 MP का। तो यहां पर दोस्तों ये है कुछ कहानी इन फोन्स की। बाकी आपको सभी तरह के सेंसर्स मिल जाते हैं, कनेक्टिविटी के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलती है। लेकिन दिक्कत भैया सबसे बड़ी है इन फोन्स की प्राइस। मतलब अभी हमने सुनी फोन की स्पेसिफिकेशंस, तो यार सब कुछ एक काफी अच्छा से लग रहा है कॉम्बिनेशन। लेकिन दोस्तों इस कीमत में ये सूटेबल नहीं है, जहां पे ब्लैकबेरी इवॉल्व की जो प्राइस है वो है 24,990 रुपए और इवॉल्व एक्स आता है 34,990 रुपीज में। अभी 34,990 में कोई वन प्लस क्यों ना ले, कोई इवॉल्व एक्स भैया क्यों परचेज करे? ऐसा क्या दे रहा है हमको इवॉल्व एक्स? ब्लैकबेरी मतलब पता नहीं कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है यार। सेम यही 25,000 का जो फोन है स्नैपड्रैगन 450 कोई क्यों लेगा 25,000 में, जब थोड़े से पैसे ऐड कर लो यार नोकिया का 7 Plus परचेज कर सकते हो, या फिर इनफैक्ट इवन एसूस का जेनफोन 5Z परचेज कर सकते हो। तो कोई क्यों लेगा इस फोन को? ऐसा इसमें क्या दे रखा है ब्लैकबेरी ने? सिक्योरिटी। कैमरा भी लगता है कि शायद इतना अप टू द मार्क होगा नहीं। मैं यहां पर दोस्तों मेरे फ्रेंड की बात कर रहा हूं लुईस अनबॉक्स थेरेपी से, मैंने वो भी वीडियो देखा था ब्लैकबेरी की2 का, उसका तो भैया एकदम घटिया हिसाब किताब था। और हालांकि मैंने की2 यूज करने के लिए सोचा भी था, मैंने फोन को परचेज भी करके रखा है दुबई में। कोशिश जब करूंगा कि भैया वापस पहुंचता हूं दुबई तो आपके लिए उसका वीडियो लेके आ जाऊं, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन मार्केट में यार क्या मजाक लगा रखा है ब्लैकबेरी इवॉल्व इवॉल्व एक्स के नाम पे। प्राइस अगर जस्टिफाइबल होती तो ये फोन ट्राई करने लायक हो सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए 25,000 रुपए के अंदर इवॉल्व और 35,000 के अंदर इवॉल्व एक्स कोई सीन बनता ही नहीं है यार। लगता है अभी बहुत ज्यादा इवोल्यूशन होना बाकी है ब्लैकबेरी का इस तरीके से, वरना अगर यही सीन चलता रहा तो मार्केट शेयर यार कहां से कैप्चर कर पाएगी कंपनी। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के देखो क्या पता हम कुछ नए फोन्स, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बेहतर फोन्स देखने को मिल जाएं। बाकी अभी तो फेस अनलॉक के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, और वो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के नाम पे, और ड्यूअल कैमरा के नाम पे, मतलब हलवा से ही मजा रखा है पूरा का पूरा। दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपको ये फोन्स कैसे लगे यार, ब्लैकबेरी इवॉल्व और इवॉल्व एक्स। मतलब ये वो फोन है इस तरह का जो अगर सामने पड़ा भी हो तो शायद अनबॉक्सिंग का मूड ना करे। तो ऐसे में अभी के लिए तो खैर दोस्तों इतना ही है इस वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा ब्लैकबेरी की2 को लेके एक वीडियो बनाने का, वो हालांकि वीडियो आएगा ऑलमोस्ट 10-12 दिन के बाद में, बिकॉज मैं दुबई पहुंचूंगा और 10-12 दिन के बाद। लेकिन फिलहाल के लिए ये था भैया मेरा फ्रैंक ओपिनियन इवॉल्व इवॉल्व एक्स के बारे में, कि सोचना भी मत, सोच सकते हो बस लेना मत। हालांकि दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।